मैं वो आदमी हूँ जो एक बार कह दिया तो करके दिखाता हूँ, वरना कहता ही नहीं। कामों का सिलसिला यहाँ पे जारी है। आज सुबह कमिश्नर को मिले और पूरे मजमे को बता देना चाहता हूँ कि भारत का पहला हैंगिंग मार्केट 35 करोड़ रुपया डाल के बनाया जाएगा, जिसपे एक भी हॉकर तुमको रस्ते पे नहीं दिखेगा। फर्स्ट फ्लोर पे अपने रस्ते पे हैंगिंग मार्केट होने वाला है और उसकी घोषणा खुद कमिश्नर आने वाले महासभा में कर देंगे। कामों में हमें कोई रुकावट नहीं आ सकती। 30 साल से यहां मुमरा में धंधा कर रहा हूं रस्ते पे। अब ये रस्ते पे धंधा करना किसको अच्छा लगता है? अभी वो कत्तलखाना बाहर खुलेआम रहता है, पब्लिक को परेशानी होती है, पर करे क्या? पिछले 10 साल से हमारे एमएलए हमें खाब दिखा रहे हैं। कत्तलखाने के लिए स्लॉटर हाउस होगा, हमारे फेरी वालों के लिए हॉकर्स मार्केट होगा, लेकिन अब तक हुआ तो कुछ नहीं। साला रोज रोज वो लोग तो स्लॉटर हाउस भी आएगा, मार्केट भी आएगा, लाइब्रेरी भी आएगी, और कुछ नहीं तो कुछ एक मंजिल, एक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे एक शादी खाना भी आएगा। रुको, और एक महीना भर, अभी फरवरी चालू है, अप्रैल 1 तक ये सब का आपको मालूम दे दूंगा। शादी खाना का तो भूमि पूजन भी होगा। हमारे देश में महिलाओं ने एजुकेशन से लेकर हर एक फील्ड में अपना अलग वजूद बनाया है, लेकिन हमारे मुमरा में वुमेन एजुकेशन, हमारी फैसिलिटीज के लिए एक भी गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, फिर कैसे होगी वुमेन एम्पावरमेंट? पिछले 10 सालों में हमारे एमएलए साहब ने हमारी सेफ्टी और कंफर्ट के लिए एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं बनाया, लेकिन अब नहीं, अब गर्ल्स हॉस्टल और लेडीज पब्लिक टॉयलेट अवेलेबल करके हमें कंफर्ट और सशक्त